नवा साल भी चढ़ते चैत के महीने में, इसलिए ये नवरात्रे बहुत ही शुभ गिने जाते हैं। हिंदुओं का त्यौहार है जो बहुत बड़ा, और लोग घरों में जोत जगाते हैं, अखंड जोत भी जगती है, व्रत भी रखते हैं, तो माता रानी सबको फल देती है, जो सो मनोकामना होती है किसी की वो पूरी होती है। यही कहोंगे जी, जड़े नराते हैं ये बहुत ही शुभ है माता रानी दे, एदे च नौ कई अष्टमी नू करते हैं, कंजकां करते हैं, कई नौमी नू करते हैं, रामनौमी वड्डी मन्नी जाती है, तो इस तो ही साडे हिंदुआं दा नया साल चढ़ता है, चैत महीने तो नवा संबत चढ़ता है। अजकल देखा देखी लोग जनवरी नू नवा साल मानते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी महीने होंगे, जिहड़ा देसियां दा साडा हिंदुआं दा जिहड़ा महीना होंगे वो चैत दा ही मन्या जाता है, तो इस करके ये जिहड़े नराते हैं बड़े ही शुभ होंगे है। वैसे तो दो वारी गुप्त नराते भी आते हैं, पर जिहड़े लोग है ज़्यादातर ये जिहड़े चैत महीने के होंगे तो आसूस महीने के होंगे वो वाले करते हैं। भारत नू ते सारे विश्व नू नवे साल की वधाइयां। अज दे दिन साडा नवा साल आरंभ हुंदा वै, जिस तरह असीं 2023 जनवरी पहली मनाने हैं वह ईसाई मत के हिसाब नाल है, लेकिन हिंदू मत के साथ सनातन धर्म के मत नाल या भारतवर्ष के मत के नाल जिहड़ा नवा साल है वह चेत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि के विच मतलब मनिया जाता है। अज साडा संबत 2080 नवा संबत जिहनूं आपां साडा सच जिहड़ा सन है जिहनूं आपां कहिंदे आ वह 2080 अज शुरू होया वै। अज चेत्र है, प्रतिपदा तिथि है, तो जिहड़ा वार है वह बुधवार है, और नक्षत्र जिहड़ा है ये शुभ नक्षत्र हुंदा। अज दे दिन कोई भी काम शुरू कर लीए, यानी कोई भी काम शुभ कार्य करना होवे अज दे दिन कीता जा सकदा, यानी इस तो अच्छा मुहूर्त पूरे साल च नहीं हुंदा। इस तो बाद दिवाली का मुहूर्त अच्छा हुंदा वै, इस तो बाद अक्षय तृतीय का मुहूर्त हुंदा, देव उठनी एकादशी या फिर सर्वार सिद्धि रवि योग पुष योग अमृत सिद्धि योग वगैरह योग हुंदे है, पर सर्वोत्तम योग जिहड़ा है चेत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि जिहड़े है नवराते आरंभ हुंदा। नवराते का अर्थ हुंदा नौ रातां, अर्थात अज दे दिन ऋतु परिवर्तन हुंदी है। ऋतु परिवर्तन के नाल सब तो पहले सानूं की चाहिए हुंदा, किसे काम करने लई ताकत चाहिए, शक्ति, तो शक्ति का प्रतीक है नवरात्रे, और शक्ति का प्रतीक है माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा शक्ति के प्रतीक के तौर पर असी नवराते नौ दिन उन्होंने नाम के वर्त रखते हैं, और दुर्गा स्तुति आम घर दुर्गा स्तुति, लेकिन मंदिर या घर जो ब्राह्मण लोग जाते हैं वह दुर्गा सप्तशती का पाठ 7 दिन करते हैं, कोई 8वें दिन हवन करता, कोई 9वें दिन करता है, वह एक अलग अलग मतांतर है, पर अज के दिन सब तो शुभ है, शक्ति की आराधना होंगी है, और सब तो वड्डी गल कि अज के दिन रामायण भी आरंभ होंगी।